ऐसा पहली बार नहीं है कि जब हिमाचल मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने विवादास्पद बयान दिया है। सांसद बनने से पहले कंगना फिल्मों से अपने असरदार अभिनय को लेकर जितनी तारीफ पाती थी, वहीं दूसरी तरफ आए दिन उनके विवादास्पद बयानों के लिए उनकी आलोचना भी होती है। अभी कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत एयरपोर्ट पर थप्पड़ कांड को लेकर चर्चा में थी, लेकिन इस बार कंगना रनौत की बयानबाजी का मसला ठीक ठाक गंभीर हो गया है। वजह है कि आंदोलनकारी किसानों पर दिया गया उनका ताजा बयान। हाल ही में कंगना ने किसानों को लेकर एक ऐसा अजीब बयान दिया जिससे उनकी हर तरफ आलोचना हो रही है। यहां तक कि उनकी पार्टी बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। बता दें कि कंगना केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की करीबी दोस्त हैं, इसीलिए एक दोस्त के नाते अब चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कंगना रनौत के विवादास्पद बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कंगना मेरी अच्छी दोस्त हैं और मैं मानता हूं कि वो मजबूत इरादों वाली महिला हैं। कंगना अपनी एक सोच भी रखती हैं और कभी भी जाहिर करने से हिचकिचाती नहीं है। उनकी सोच से सहमत या असहमत जरूर हो सकते हैं, लेकिन आज जब वो राजनीति की दुनिया में है तो उनको जरूर सोचना चाहिए। लेकिन मैं इसमें कोई दखल अंदाजी करने वाला नहीं हूँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी का अपना विषय है। हाँ, ये जरूर है कि कंगना रनौत इज अ गुड फ्रेंड। बॉलीवुड में भी कुछ हो ना हो, लेकिन कंगना के साथ एक अच्छी दोस्ती जरूर हुई। वो एक अच्छी चीज थी। मैं संसद में उनको ढूंढ रहा था उनसे मिलने के लिए। पिछले 2-3 साल से मैं बहुत बिजी था, इसलिए मेरा कनेक्शन टूट गया था। चिराग पासवान ने तमाम सवालों का जवाब देते हुए कंगना रनौत के बारे में ये भी कहा कि कंगना ज्यादातर टाइम पर वह पॉलिटिकली करेक्ट नहीं होती है, लेकिन वह जिस तरह बोलती है वो बेहद ही उम्दा है। उन्हें सटीक समय पता होता है कि किस बात को कब और कहां बोलना है, भले ही वे बातें पॉलिटिकली सही हो या ना हो, वह बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन यही तो उनकी खासियत है, उनकी इसी खूबी की वजह से हम सब उनको इतना पसंद करते हैं। बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में दिए गए कंगना रनौत के उस बयान से असहमति जताते हुए किनारा कर लिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार तथा हत्याएं हो रही थी। कंगना के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है, जिसके बाद भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बयान से किनारा करते हुए ये कहा कि सांसद कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। इसके अलावा बीजेपी ने कंगना को यह हिदायत भी दी कि वह भविष्य में इस प्रकार का कोई बयान न दे। दरअसल कंगना रनौत ने एक क्लिप एक्स पर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो भारत में भी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि किसानों के प्रदर्शन के दौरान लाशें लटकी थी और दुष्कर्म की घटनाएं हो रही थी। उन्होंने षड्यंत्र में चीन और अमेरिका के शामिल होने का आरोप लगाया। हालांकि भाजपा ने कंगना के इस बयान से खुद को अलग कर लिया था, लेकिन कांग्रेस ये मांग कर रही है कि बीजेपी यदि वास्तव में रनौत के विचारों से असहमत है तो उन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए।